यो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। क्या आपको भी माइनक्राफ्ट खेलना है लेकिन उसका पेड होने के कारण और लैग के कारण आप लोग नहीं खेल पा रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा गेम बताने वाला हूँ जो लैग फ्री होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा गाइस, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है आपने थंबनेल में देखा तभी तो वीडियो पर क्लिक किया है। और लिटरली गाइस इसके अंदर बहुत सारी व्हीकल्स और बहुत सारे न्यू एनिमल्स होने वाले हैं जो माइनक्राफ्ट में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे आपने। नो वेस्टिंग टाइम, गेम को प्ले करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं गेम का इंटरफेस कुछ ऐसा है। इस प्लेयर को मैंने बाहर से ऐड किया है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 1.20 का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर सारे वो प्लेयर्स है जो 1.20 के अंदर ऐड हुए हैं। तो नो वेस्टिंग टाइम वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो इंटरफेस एकदम माइनक्राफ्ट के जैसा ही है, तो इसको हम क्रिएटिव करते हैं क्योंकि हमको सारी व्हीकल्स हैं एनिमल्स को देखना भी। तो वर्ल्ड का नाम मैं रख देता हूँ लाइक, और आप भी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए जब तक वर्ल्ड जनरेट हो रहा है। बैकग्राउंड में तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स दिखाए गए हैं लेकिन गेम में एक्चुअली कैसे ग्राफिक्स होने वाले हैं वो तो गेम लोड होने के बाद ही पता चलेगा। गाइस ये तो मेरी एक्सपर्टीज से ज़्यादा जल्दी लोड हो गया वर्ल्ड। तो स्पॉन तो हमको स्नोई बायो में कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसे कॉपर का टेक्सचर कुछ ऐसा देखने को मिलता था। ग्राफिक्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं गाइस, मेरी एक्सपर्टीज से बहुत ज़्यादा ही अच्छे ग्राफिक्स है। मैंने लगा नहीं था कि ऐसे ग्राफिक्स होंगे इसके। देख सकते हैं रेबिट कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर इन्वेंटरी तो बहुत ज़्यादा ही सिमिलर सी है माइनक्राफ्ट से। सिमिलर सी नहीं गाइस, एकदम डिट्टो कॉपी है माइनक्राफ्ट की। तो ये और इसके अंदर गाइस ये बनाना भी ऐड किया गया है, इसको देखते हैं खाकर क्या होता है हमको। वैसे मैं क्रिएटिव में हूँ लेकिन कुछ पता तो चल नहीं रहा है, लेकिन अच्छी बात है इसके अंदर बनाना को ऐड किया गया है। तो अभी हम चलते हैं फ्लैट वर्ल्ड में और इधर सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि इधर एकदम फ्लैट वर्ल्ड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत सारी व्हीकल्स है, इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो के लिए इधर लगाया था लेकिन शॉर्ट वीडियो कुछ अच्छा नहीं बना था। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी व्हीकल्स है ये, और तरह तरह के एनिमल्स भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि यह भालू है गाइस, बहुत ज़्यादा ही बड़े साइज का है और इसके टेक्सचर तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। और इसके अंदर आप लोग दुनिया भर के एनिमल्स है, और इधर देख सकते हैं सुअर ने इस भालू को मार दिया। और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, इसके अंदर हम सारे एनिमल्स और व्हीकल्स को ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री में जाते हैं और इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही व्हीकल्स है। तो हेलीकॉप्टर जैसा ही कुछ दिख रहा है, तो इसको हमको आप लोग देख सकते हैं नाम तो उठ पटांगे इसके बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े, तो इनको मैंने ले लिया। अब इसको स्पॉन करके हम देखते हैं, तो ये तो एक घोड़ा गाड़ी है गाइस। तो अब हम इसमें राइड करके देखने वाले हैं कितनी स्पीड है गाइस। देख सकते हैं इसके हंगर बार तो बहुत ज़्यादा है और इसको हमको माइनक्राफ्ट में भी ऐड करना चाहिए क्योंकि हमको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसके अंदर आप लोग आइटम्स को भी कैरी कर सकते हैं, तो माइनक्राफ्ट में इसको ज़रूर ऐड करना हो। गाइस घोड़ा गाड़ी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तो अब हम इसके अंदर ये ऐड करके देखने वाले हैं। नाम तो बहुत ज़्यादा ही उठ पड़ा है, तो ये एक टाइटल जेट है, आप लोग देख सकते हैं ये तो लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर ऐड किया होगा। इसको आप लोग देख सकते हैं टेक्सचर तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है और इसके अंगर पार लेकिन बहुत ज़्यादा ही कम है और उसको फ्लाइंग करना मुझको नहीं आ रहा है गाइस, कैसे ही उड़ाते हैं इसको। तो लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है गाइस। तो देख सकते हैं ये उड़ तो रहा है, ओ गाइस फाइनली ये उड़ चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ चुका है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करने लगा है गाइस, धुआं भी निकलने लगा है लेकिन उड़ तो ये सही से रहा है, कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक। एक ही हंगर बार बहुत कम है इसलिए ये अभी डेड हो चुका है गाइस। तो अब हम इसके नेक्स्ट व्हीकल को स्पॉन करते हैं, ये भी उसी के जैसा है लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा है, उसके हंगर बार को देखिएगा स्क्रीन के अंदर ही इसको नहीं आ पा रहे हैं। तो इसको भी फ्लाई करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि ये तो फ्लाई नहीं होने वाला है, तो इसको छोड़ते हैं और इसको स्पॉन करके देखते हैं। गाइस ये तो हॉट एयर बलून के जैसा लग रहा है कुछ बड़ा सा, इसका नाम मुझे पता नहीं है, इसके अंदर नाम दिया हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही ऊटपटांग से हैं। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं स्टीयरिंग भी लगा हुआ है और सीट तो एकदम अच्छे से लगी हुई है और एकदम वुडन फ्रेम के अंदर ये बना हुआ है। yes, yes. और बिना टाइम पास के इसके अंदर बैठ के देखने वाले हैं कैसा ये फ्लाई होगा कि या फिर नहीं। अब तक की व्हीकल्स मुझे फ्लाई करना बिल्कुल भी नहीं आई है, तो इसको तो मैं 100% उड़ाऊंगा गाइस, ये मेरा वादा है। तो इसको उड़ाने के लिए ऊपर फेस करता हूँ फिर जंप करता हूँ गाइस, देख सकते हैं उड़ चुका है फाइनली और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये कंट्रोल भी हो रहा है। इसको अगर आप लोग नॉर्मल वर्ल्ड में चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये तो प्लेन वर्ल्ड है, इधर आपको कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। अब हम चलते हैं कुछ न्यू व्हीकल के ऊपर। ये तो गाइस कार है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इंट्री में तो लोगन नहीं आ रहा है लेकिन इधर ये कार स्पॉन हो चुकी है। तो अब हम इसको चला के देखने वाले हैं कितनी स्पीड में चलती है और कितना इसका अच्छा कंट्रोलर होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है और स्पीड भी बहुत ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हैंडल भी मुड़ रहा है और स्पीडोमीटर भी एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है और इसकी हार्ट भी बहुत ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा मस्त तरीके से कंट्रोल हो रही है। और अब हम एलो प्लेन्स को चला के देखने वाले हैं ये कैसे कंट्रोल होते हैं।
हैं, तो इन सबको मैंने ले लिया है बारी बारी से और अब हम इसको स्पॉन करके अभी देखने वाले हैं। इसके अंदर तो अच्छे दिख रहे हैं, अब इसको स्पॉन करके देखने हैं कितने बड़े होते हैं। तो देख सकते हैं ये कुछ इतने बड़े हैं और अब इसको हम चला के अभी देखने वाले हैं। ये कुछ कास भी हैं तो इनको भी मैं स्पॉन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल हैं और ये इसको स्पॉन करके देखने, ये तो कुछ वो झाड़ू होता है ना गाइस, वो जुड़े बैठ कर उड़ती है, ये कुछ वैसा ही है। इस पर भी हम बैठ के देखने वाले हैं ये कैसा उड़ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, और इस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी ये चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और ये तो जंप भी लगाता है, एकदम चुड़ैल जैसी लुक आ रही है गाइस। तो अभी हम एनिमल्स को भी स्पॉन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने सारे एनिमल्स होने वाले हैं और कैसा टेक्चर होने वाला है। तो बारी बारी से सबके स्पॉन में ले लेता हूँ। तो अभी हम स्पॉन कर देते हैं टाइगर को। आप लोग देख सकते हैं ये इस सुअर को अटैक कर रहा है और इसको तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से इसने मार दिया है। इसके टेक्चर देख सकते हैं एकदम खतरनाक वाले हैं। अब हम इस पे स्पॉन कर देते हैं एलिफेंट को। ये तो उधर दूर भाग गया है और ये टाइगर और एलिफेंट दोनों नहीं लड़ा रहे हैं। अब हम स्पॉन कर देते हैं जगुआर को। देख सकते हैं गाइस ये तो एलिफेंट को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारने लगा है और बहुत ज्यादा ही दूर चला गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं जूम करके भी आप लोग दिखा देता हूँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो अब हम स्पॉन करते थे कोकोडाइल को। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्चर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है और स्नेक भी इसके अंदर है गाइस। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और वाटर बलून तो आप लोग देख सकते हैं, ये पहले तो मुझे मिला नहीं था लेकिन अब मिल चुका है। तो इसकी हार्ट आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, और इसको मैं उड़ा के भी देखने वाला हूँ लेकिन ये उड़ता कैसे आई नो गाइस, लेकिन मैं सीख चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे से ये उड़ रहा है। तो अब इसको साइड रखते हैं और अब हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं तो ब्लू वेल है गाइस, देख सकते हैं पानी नहीं होने के कारण ये तो इधर मर चुकी है गाइस। तो देख सकते हैं इसके अंदर बटरफ्लाइज भी है, कलरफुल बटरफ्लाइज। आप लोग देख सकते हैं ये तो माइनक्राफ्ट में नहीं है लेकिन माइनक्राफ्ट वालों को भी ऐड करना चाहिए, कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देख सकते हैं शार्क है, ये इसका बेबी है और इस बिग शार्क भी इसको स्पॉन कर दिया गया। और ये है गाइस रेड पांडा, ये इतना छोटा होता है मुझको अभी पता चला है गाइस। और ये देख सकते हैं मेमत, ये विलुप्त हो चुके हैं लेकिन इस वाले गेम में इसको ऐड किया गया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस। और फिर से देख सकते हैं रेड पांडा स्पॉन हो चुका है और ये है गाइस वेल, और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी है गाइस, बेबी वेल रखता है, ये बेबी वेल है। और देख सकते हैं ये है बियर गाइस, ये देख सकते हैं ये जंगली भैंसा कितना ज़्यादा क्यूट है ना। आप लोग देख सकते हैं इसका एग में कुछ ग्लिच हो चुका है इसलिए ये ब्लू एंड ब्लैक दिख रहा है। और ये देख सकते हैं लेपर्ड, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा शांत है एक ही जगह पर। और ये है केकड़ा गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट केकड़ा है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको भी और ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।